बंदर और मगरमच्छ। एक बार की बात है कि घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरिया था। उस दरिया में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वो अब शिकार करने के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि वो कमजोर और ताकत से महरूम था। एक दिन वो बहुत भूखा था, तो उसने खुद से सोचा, अब जमीन पर जाना और शिकार करना बहुत दुश्वार हो गया है। मुझे दरिया में ही मछलियाँ पकड़ के अपना पेट भरना होगा। जब उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, तो मछली उसके हाथों से फिसल गई। ना उम्मीदी और थकान से बोझिल होकर उसने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। दरिया के किनारे एक बंदर दरख्त की टहनियों पर बैठा था और बेर खा रहा था। मगरमच्छ ने बंदर को देखा और कहा, मेरे प्यारे बंदर, तुम क्या खा रहे हो? मेहरबानी करके मुझे कुछ दे सकते हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये बेर हैं, ये बहुत मीठे हैं, ये लो इन्हें खाओ। अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत ही मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे निजात अता करने के लिए। मैं वाकई बहुत भूखा था और तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर मेरे पास तुम्हारे सरीखा रहम दिल दोस्त हो। हाँ, क्यों नहीं, अब हम दोस्त हैं। मैं इसी दरख्त पर रहता हूँ, तुम्हें जब भूख लगे तुम यहाँ तशरीफ ला सकते हो और मैं तुम्हें सबसे उम्दा बेर दूंगा जो यहाँ मुहैया हो। इसके बाद हर रोज मगरमच्छ एक दरख्त के पास आता और बंदर उसे बेर देता। वो मिलकर बहुत मौज मस्ती करते। इस तरह वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कई बार मगरमच्छ आता और दरख्त के नजदीक खेलता, और कई बार बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठता और दरिया की सैर करता। सुनो मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी भी इन बेरों को खा सके। क्या तुम मुझे मेरी बीवी के लिए कुछ बेर दे सकते हो? मेरी गुजारिश है, मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। यकीनन मैं अभी तोड़ कर देता हूँ, चलो। बंदर ने खुशी खुशी कुछ बेर तोड़े और उसे दिए, और मगरमच्छ उसे अपनी बीवी के लिए ले गया, जो दरिया के दूसरे किनारे पर रहती थी। मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कुछ मीठे बेर। मेरे दोस्त बंदर ने ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। बहुत खूब, ये बेर तो बहुत मीठे हैं। पर मेरे प्यारे शोहर, कब तक तुम इन बेरों पर जिंदा रहोगे? बस सोचो, अगर ये बेर इतने मीठे लगते हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो हर रोज ये मीठे बेर खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। हाँ, वो बहुत अच्छा है, वो खुद भी खाता है और मुझे भी देता है। दरअसल मैं सोच रही थी कि उसका दिल कितना मीठा होगा, और एक लंबे अरसे से मैंने गोश्त को चखा ही नहीं है। क्या तुम उसका दिल मेरे लिए ला सकते हो? ये सुनकर मगरमच्छ बहुत संजीदगी से सोचने लगा और उसने अपनी बीवी से कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके भरोसे से दगा नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हें उसका दिल दे दूंगा तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खिलाया जब मैं भूखा था, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसे मार दूं? मैं कोई दलील नहीं सुनना चाहती, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ और मेरे लिए वो लाओ, वरना मैं जान दे दूंगी। अपनी बीवी की बात सुनकर बेचारे मगरमच्छ को बहुत ही बेबसी महसूस हुई। उदास होते हुए भी वो बंदर के पास गया, उसे यकीन दिलाने के लिए और उसे अपनी बीवी के पास अपने घर लाने के लिए। प्यारे बंदर, प्यारे बंदर, मेरी बीवी उन बेरों से बहुत खुश हुई और उसने तुम्हें दोपहर को खाने की दावत दी है। चलो मेरे घर चलो, आज हमारे साथ दोपहर का खाना खाओ। बहुत मेहरबानी, चलो चलें।
बंदर मगरमच्छ के साथ जाने को राजी हो गया और वो दोनों निकल पड़े। वो खुशी खुशी जा रहे थे। थोड़ी दूर सफर पर पहुंचकर बंदर ने पूछा, वैसे दोस्त, तुम्हारी बीवी हमारे लिए क्या पकाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की ताजी ताजी रोटियाँ, लजीज बिस्कुट खास कर तुम्हारे लिए बनाएंगी। अरे वाह, लगता है अच्छी दावत होने वाली है, बहुत मजा आएगा। मेरे मुंह से तो पहले से ही लार टपकने लगी। अपने दोस्त की खुशी देखकर मगरमच्छ ने सोचा कि उसे अपने दोस्त को अपनी बीवी के मंसूबों के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। बेचारा बंदर, वो एक लजीज दावत का ख्वाब देख रहा है। उसे जरा भी गुमान नहीं कि मेरी बीवी दोपहर के खाने में उसका दिल खाना चाहती है। मैं क्या करूं? क्या मैं इसे हकीकत बता दूं? ओ मेरे अजीज बंदर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मेरी बीवी तुम्हारा दिल नोश फरमाना चाहती है। मेहरबानी करके मुझे माफ करना, अगर वो तुम्हारा दिल नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। जैसे ही उसने मगरमच्छ को सुना, उसे फौरन एक तरकीब सूझी। बंदर बहुत होशियार था। ओ अच्छा, आहा बेशक, क्यों नहीं, जरूर। लेकिन दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर लोग अपना दिल हिफाजत से दरख्त पर रखते हैं, और अब हमें उसे लेने वापस दरख्त पर जाना होगा, तो क्यों ना तुम मुझे वापस दरख्त पर ले चलो। हाँ, ओहो, मैं कितना अहमक हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना होगा। चलो वापस चलें और तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। अगर हम खाली हाथ गए तो वो उसके एवज में मेरा दिल खा लेगी। मगरमच्छ बंदर को वापस दरख्त पर ले आया। जैसे ही बंदर दरख्त पर पहुंचा, वो फौरन मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और दरख्त पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, हे अहमक मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर रख कर जिंदा रह सकता है? मैंने एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद की और तुम्हें इतना खाने को दिया, और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। अब तुम्हें ना तो मेरा दिल मिलेगा और ना ही बेर। दफा हो जाओ यहाँ से। बंदर ने अपनी चालाकी और अक्ल का इस्तेमाल किया अपनी जान बचाने के लिए, और मगरमच्छ अपनी बेवकूफी की वजह से दोनों ही गवा बैठा, एक दोस्त और मीठे बेर। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी, और क्या कोई मुझे इस कहानी का सबक बता सकता है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। तो इस कहानी का सबक ये है कि खतरे और दुश्वारी के वक्त हमें खौफ नहीं खाना चाहिए, पर इसके बजाय हमें बंदर की तरह होशियारी से काम करना चाहिए, और किसी भी हाल में भी हमें किसी के भरोसे को ठेस बिल्कुल भी नहीं पहुँचानी चाहिए, वरना हो सकता है कि मगरमच्छ की तरह हम सब कुछ ही गवा बैठे।